पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होती है अपराधों पर लगाम लगाने के लिए इंदौर पुलिस ने अनूठी पहल की है। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अब सफाई कर्मी भी पुलिस के सहयोगी बनेंगे। अपराधों पर लगाम लगाने के लिए इंदौर पुलिस की अनूठी पहल। पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारे मिश्र ने बनाया मास्टर प्लान। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अब निगम सफाई कर्मी बनेंगे पुलिस के सहयोगी। इंदौर को अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारे मिश्र एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इंदौर में बेहतर कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार नए नए प्रयास भी किए जा रहे हैं। शहर में बढ़ती चोरी की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस कमिश्नर ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान के तहत निगम सफाई कर्मी अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस के सहयोगी भी बनेंगे। दरअसल शहर में सबसे पहले निगम सफाई कर्मी ही शहर की सड़कों पर साफ सफाई को लेकर पहुंचते हैं, इसीलिए उन्हें इन सभी घटनाओं की जानकारी सबसे पहले रहती है। लेकिन पुलिस से सीधा संवाद नहीं होने के कारण पुलिस तक इसकी जानकारी नहीं पहुंचती है। पुलिस के द्वारा शुरू की गई इस पहल के द्वारा अब सफाई कर्मी पुलिस से संवाद कर सकते हैं। लगातार बेहतर कानून व्यवस्था, ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई, उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस तकनीक के स्तर पर और संसाधनों के स्तर पर बेहतर तो कार्रवाई कर ही रही है। पुलिस के अधिकारी भी लगातार जर सदेश के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसको और गहनतम स्तर तक ले जाने के लिए पुलिस ने बाकी सभी विभागों से बेहतर समन्वय के लिए संवाद भी बेहतर किया है। समान तौर पर देखा गया है कि सुबह जब सबसे पहले कई जगहों पर हमारे जो सुबह सफाई कर्मी हैं वो पहुँचते हैं, और कई बार कानून व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दे, जैसे कि कोई सांप्रदायिक कोई मुद्दा हो सकता है, कोई अपराध से जुड़ा मुद्दा हो सकता है, कई बार बाइक की चोरी का हम लोगों ने देखा, तो कई बार सुबह के मामलों में सुबह के अवसर पर 4 से 6 बजे के बीच में इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो इस तरह की घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने तय किया है कि सुबह जो सबसे पहले पहुँचता हो उसको इन घटनाओं की कई बार थोड़ी जानकारी रहती है, लेकिन सीधा संवाद ना होने के कारण वो इन जानकारी को संप्रेषित नहीं कर पाते हैं। पुलिस ने स्थानीय स्तर पर जो वहाँ पर सफाई कर्मी हैं उनके काफ़ी बड़ा अमला जो सुबह सुबह 4 बजे के आसपास जो सड़कों पर निकलता है, उनके साथ स्थानीय थाना क्षेत्र में उनके साथ एक संवाद और साथ ही साथ नंबर्स का आदान प्रदान, ताकि बेझिझक वो अगर कोई समस्या है तो उसको पुलिस तक बता सकें और इस सूचना के आधार पर पुलिस तत्काल कार्रवाई कर सके। पुलिस ने लगातार कई गैंग्स को पकड़ा है, मोटर वाहन चोरों के कई गैंग्स को भी पकड़ा है, लेकिन इस तरह की सूचना के आने से और सूचना का प्रवाह बेहतर होगा और पुलिस और ज़्यादा बेहतर ढंग से कार्रवाई कर पाएगी। कुल मिलाकर इंदौर पुलिस शहर में अपराधों पर लगाम लगाने के लिए नए नए प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, इंदौर।